So, guys, channel, तो हेलो वेलकम टू चैनल मैं हूं आपका दोस्त और दोस्तों जैसा कि आज आप देख पा रहे हो आज हमारे चैनल पे मेहमान है का 400, जिसका हम आज एक थ्रू अनबाइस ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं बात करेंगे इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे इसकी खासियत के बारे में तो उसके लिए हमने अप्रोच किया था पवन कुमार चतुर्वेदी जी को तो पवन जी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल तो तो वाइकोपीडिया पे एंड थैंक यू सो मच आपने जो हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपका एक छोटा सा इंटरव्यो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को ताकि हम इस वीडियो को आगे बना सके सर मेरा नाम पवन चतुर्वेदी है और मैं बाई प्रोफेशनल एक फार्मासिस्ट हूँ बेसिकली मेरा गांव है छोटा सा लेकिन मैं यहाँ लक्ष्मी रामगंज में रहता हूँ और सर मेरे जो ड्यूटी है वो राजा पार्क में है राजा पार्क आ, राजा पार्क में रोज में इसी बाइक से अपडाउन सर सबसे पहले अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप प्लीज वो वाक्य एक बार दोहरा दीजिए जिस तरह से हमने आपको अप्रोच किया आप हमसे मिले क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना कई लोग हैं हमारे चाहने वाले ही हैं कई लोग हमें ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि यार पेड रिव्यू कर रहे हो तुम पैसे लेके वीडियोस बना रहे हो तो एक बार प्लीज मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ प्लीज अपना एक वाक्य बता दें प्लीज कि किस तरह से हम मिले थे बिल्कुल सर ऐसा कुछ नहीं है कि पेड रिव्यू है मैं ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहा था सडनली भाई ने पीछे से आवाज दी मेरे को तो साइड में रोके काफी बातचीत हुई उसके बाद मैंने मैंने खुद ही एग्री किया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं वीडियो बना लो मैं बताऊंगा इसकी कमियाँ और खामियां जो थे बारे में तो बाकी ऐसा कोई रिव्यू नहीं है हम तो सडनली मिले थे ऐसा कुछ था नहीं तो। सर सर थैंक यू सो मच आपने हमारे लिए एटलीस्ट इतना ही तो कर दी चलो कोई बात नहीं ऑडियंस नहीं भी माने तो कोई बात नहीं वैसे लेकिन आप तो जानते ही हैं तो आपसे जो मिलेंगे उनको तो आप बता ही रिव्यू नहीं किया यानी कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रिवोल्ट हंड्रेड के ट्रू अनबास्ट ओनरशिप रिव्यू के बारे में सीट थाम के रखिए और हम इसको जो है बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल का रिव्यू होने वाला है ये क्योंकि सर आपने कितने टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए पाँच छह छह महीने के आसपास हो छह महीने का रिव्यू होने वाला है कितने किलोमीटर चल चुकी है सर साढ़े पाँच से ज्यादा चल गई साढ़े पांच हजार से ज्यादा ठीक है तो साढ़े पांच हजार से ज्यादा का आज ये एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है तो कौन सी बाइक थी बाएक से पहले मेरे पार? पास सीडी डिलेक्स थीक्स बाइक थी, सीड़ी सीड़ी थी। थीक है। तो मेरे को स्पोर्ट्स बाइक में जाना था तो दोस्तों ने भी और मेरे को काफी लोगों ने बोला मैंने रिव्यू देखा इसका अच्छा है थीक तो थीक फिर मैंने आ, बुकिंग करवाई एडवांस बुकिंग तो मेरे को आ, एक महीने के लिए बोला वेटिंग का एक महीने करते करते वो डेढ़ दो महीने खेचले गए पूरा ठीक है तो फिर उसके बाद बाइक केस में निकलाई मैंने ऐसा कोई वो नहीं है ठीक है उसके बाद वहाँ पे गया वहाँ पे कोई भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा वहाँ पे की आप चाय पियो पानी पियो कुछ नहीं शोरूम पे नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आपको आप जाएंगे वहाँ पे सीधा एक सेल्समैन होगा आपको चाय भी देगा फोटो खिंचवाओ तो आपकी मर्जी नहीं खिंचाओ तो कोई दिक्कत नहीं है चाहे देगा और वो चला जाएगा तो आप बाद में फोटो खिंचवाते रहो चाहे खुद से रहो कोई कुछ नहीं पूछने वाला वो गाइक ले घर आ जाओ ठीक है बाइक परचेज करते टाइम ओवरऑल आपको कितना टाइम लगा बिलिंग इंश्योरेंस वगैरह नहीं वो टाइम तो ज्यादा नहीं लगा वो तो जल्दी फ्री कर दे कुछ है नहीं। मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा हो हाँ। और, और बाइक परचेज करने से लागे आपने मुहूर्त निकलवाया तो उससे तीन दिन पहले आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो आर टी ओ वगैरह कुछ होता है बाइक बिल्कुल तो वो टाइम लगता है तीन दिन वो सारा कुछ गए तीन दिन पहले पेमेंट किया रसीद रसीद ली और तीन दिन बाद गए आधे घंटे भी नहीं लगा फिर तो कहाँ टाइम तो सारा प्रोसेस फाइनली हो गया ना चलो फिर तो कहाँ टाइम लगेगा चलो ठीक है सर इसके अलावा अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बाइक के बारे में आपकी क्या राय है बाइक वैसे मैं ठीक ठाक बाइक है इसी कोई जितना बताते हैं लोग वीडियोस में वैसा कुछ है नहीं इसमें इतना खास उतनी बेकार भी नहीं है मैं सबसे पहले लेके आया तो मैं यहाँ से बाइक लेके गया था मैं लगभग साठ पैसठ किलोमीटर दूर uh -huh. तो वहां तक मेरे कोई दिक्कत नहीं आई नहीं नहीं थी क्या दिक्कत आएगी उसके बाद मैं वापस जयपुर आया जयपुर से मैं राउंड मार रहा था तब मेरे 82 तब मेरी बैटरी थी सडनली बाइक बंद हो गई लाइक लाइटिंग मारा बैठे थे जगह से लाइट चल गई परसेंट एट्टी टू परसेंट पे, पे uh -huh. आपको पता हो कुभा मार्ग पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो मेरी बाइक महकी हुई रुकी पीछे हॉर्न हॉर्न तो उतर के और साइड में लेना पड़ा मेरे को मैंने कंपनी में फोन किया पहली बार तो कंपनी में फोन कोई उठाएगा नहीं आपका ठीक है तो एक सर्विस मैन है अपने यहाँ के जयपुर गए काफी ठीक है तो उन्होंने फोन उठाया मैंने उनसे बोला वो बोले कि भैया जो एम सील होती है इसके नीचे एम सील होते मैं दिखाऊंगा एमसी, आ, एमसी तो एम सील होता है उसको ऊपर नीचे, नीचे किया मैंने तो स्टार्ट हो गई तो मैंने स्टार्ट करी फिर थोड़ी देर फिर बंद हो गई मैंने कहा भाई ये क्या हो गया तो मैंने फिर बोला उसको बोला कि भैया आप शोरूम ले आओ मैं यार शोरूम उस टाइम अजमेर रोड था शोरूम मैं बोला भाई प्रताप नगर से अजमेर रोड कैसे लेके जाऊँ शोरूम तो बोले कि भैया लाना तो पड़ेगा फिर मैंने कैसे करा के स्टार्ट हो गई

उससे पहले टूट गया था ये कंपनी को आप बिल सबमिट करने वाले हो या फिर नहीं कंपनी को मैं जो तो टूटा हुआ बेल्ट था वो देके आया हूँ वो बोले कि जैसे आएगा हम बता देंगे तो लगभग एक महीने के आसपास तो हो गया तो अभी तो तक तो कोई फोन आया नहीं वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आएगा भी नहीं कॉल करके देखा उन्होंने बोला कि हम करेंगे कॉल तो हम मैं तो वेटिंग करूंगा ना भाई उनका आएगा अब मेरा जाना होगा तो मैं ट्राई कर लूंगा भाई आ गया क्या अभी गया भी था मैं दस बारह दिन पहले गया था कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भैया अभी तो आया नहीं, नहीं दो हजार दो हजार है तो सेल्स से रिलेटेड आपका तो मैं देख चुका हूँ सर्विस से रिलेटेड क्या है सर्विस रिलेटेड सर्विस नॉर्मली अपन नॉर्मली बाइक की सर्विस कराते हैं धोते हैं अच्छे से चमकाते हैं लाइक जो ऑयल ऑयल लगा के इसमें कोई कुछ नहीं चमकाएगा जाना है आपको एक वो लिखना है सर्विस लिखते हैं ना डायरी मेंटेन सर्विस सर्विस की लिखेंगे भाई किलोमीटर हो गई ले जाओ अरे भाई ऐसे मत किया <laughs> नहीं, रियल है ये मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त काफी उन्होंने बताया है कि ऐसा ही होता है तो अभी तक आपको इस बाइक को लेने के बाद मतलब फायदे में रहे हुए नुकसान बार ओवरऑल तो फायदे में रहा हूँ तो क्योंकि अभी मेरे को भी जाऊंगा क्योंकि ओवरऑल मेरे को अभी पेट्रोल की जरूरत पड़ी नहीं और अभी ऐसे कोई को प्रॉब्लम आई भी नहीं मैंने जो प्रॉब्लम आई वो मैंने बता दिया है अब जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है वो ये है कि अगर अगर इसकी चाबी खराब हो जाती है ना तो आपकी बाइक खड़ी रहेगी उसका एक छोटा सा आ, है अंदर से तार खोल के वो कुछ करना पड़ेगा उसमें आपकी बाइक चोरी होने के चांसेस हंड्रेड वन परसेंट है 100 100 क्योंकि जैसे नहीं हो बटन जाएगा। वैसे सिस्टम है बटन दबाया तो कर सकता है क्योंकि मेरा भी खराब हो गया था रिमोट एक अब दूसरा बचा अब ये खराब हो जाएगा तो फिर नया लगवाऊंगा मैंने अभी नया लगवाने के लिए बोला था तो बोले कि अभी दो महीने वेटिंग करो दो महीने बाद महीने वेटिंग करो दो महीने वेटिंग करो ठीक है तो मतलब इसका मतलब चाबी का सेटअप आपने जो बताया वो कितने रुपए का चार्ज कर रहे हैं चार्ज कर रहे साढ़े तीन हजार साढ़े तीन हजार मैं साढ़े तीन हजार देने के लिए तैयार हूँ की भैया है ही नहीं इनका यार ये तो गलत है ठीक है यानी कि उसमें भी अभी आपको दो महीने की वेटिंग चल रही है और ठीक है उसके बाद इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है ये जो है ना ये टूट जाता है तो मैंने रबड़ लगा के काम चला रखा है रबड़ लगा रखा है आपने और इसके पीछे से जो लोग है वो

मेरे एक सौ दस चल जाती है प्रैक्टिकली मैं मैं अपनी बता रहा हूँ हाँ। लोग बताते हैं एक सौ तीस एक सौ बीस नब्बे चलाओगे ना एक सौ दस में सेकंड रेंज में चलाओगे चलाओ तो आपकी सत्तर आ जाएगी थर्ड में चलाओगे तो पचास से साठ के बीच इतनी तो नहीं, तेट तेट नहीं नहीं तो जरूरत ही होती तेज साठ की स्पीड चलाता हूँ फर्स्ट मोड पे कितनी स्पीड आ जाती है चालीस चालीस लास्ट पैंतालीस हवा का फ्लो आपके वो है तो 45, पैंतालीस वेट वाइज जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सेंटर ऑफ मास होता है तो वो किस तरह से मैनेज है इस बाइक का नहीं अच्छा है है। है, कोई दिक्कत नहीं। Balanced Balanced दिक्ष्ट दिक्ष्ट नहीं। है। इसकी जो नहीं एक नंबर है मतलब बैलेंस प्रॉपर बैलेंस बाइक ये बैलेंस। तो अच्छी चीज है मैं आ, मतलब कितना ही घुमा लो, फिसले का जब आप बैठते हैं ना हैंडल तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं मेरे शोल्डर में पेन बिल्कुल नहीं होता लोगों के होता है जो नए नए चलाते हैं मेरे नहीं होता बस पे याँ पे इस थोड़ी दिक्कत आती है मैं हम तीन लोग बैठते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो सर तीन लोगों तो <laughs> की दिक्कत आती है दिक्कत ये आती है पूरा वेट आगे हो जाता है क्योंकि ये खड्डा है ना इसमें आ जाता पूरा सामान फिर मेरे को ऑटोमेटिकली आगे फुटरेस भी है ऐसा कुछ नहीं बट ये कि जब

पे। आ, मैं एक्चुअली मेरा गाँव है यहाँ से पचपन किलोमीटर के आसपास मैं तो सेकंड उसमें जाता हूँ मोड़ में सेकंड मोड में से हूं। तो इतनी रेंज मिलती है स्पीड भी मिल जाती होगी आ, मैं मैं सेकंड में चलाता हूँ

तो जयपुर में जो शोरूम है वहाँ पार्ट्स की शॉर्टेज चल रही है मिनिमम डेढ़ महीना लगेगा आपको मिनिमम मतलब हर एक पार्ट के लिए लाइक फैन बेल्ट के लिए इन्होंने मुझे एक महीना अभी तक एंड स्टिल काउंटिंग तो वो इन्होंने बताया इसके बाद अब ये इंडिकेटर के लिए जो पूरा सेटअप जो चेंज होगा हेडलाइट सेटअप जो चेंज होगा इसके लिए सर ने कितना डेढ़ महीना डेढ़ महीना आपने बताया और एक और पार्ट था जिसके बारे में आपने बताया था तो वो की के बारे में की के बारे में तो उसके लिए आपने कितना दो महीने की वेटिंग उन्होंने डेढ़ से दो महीने बोला तो उसमें डेढ़ से दो महीने की वेटिंग बता रहे हैं तो यानी कि पार्ट्स की शॉर्टेज यहाँ पे चल रही है एंड एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है ना तो इनके जो पार्ट्स होते हैं ना तो पार्ट्स भी आपको यूजुअली लाइक आफ्टर मार्केट ऐसे नहीं मिल सकते तो उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं वेट ही करना पड़ता है तो या तो मैं ये कहूँगा कि ये शोरूम के लिए एक फीडबैक जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे इस तरह के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रखें ताकि क्या है जो कस्टमर्स हैं आप लोगों के वो इस तरह से परेशान ना हो ठीक है

और ये खुला था ये खुलेगा तो ये खुलेगा ठीक है तब जाके मोटर पे तो मैंने ये खुला इसके जो ये 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 स्क्रू है ना इसके अंदर का वो टूट गया ठीक है मतलब जैसे अपन स्क्रू अंदर का हैं। खोलते हैं तो अंदर वाला पार्ट जो होता है वो टूट गया, वो तूट वो तूट वो तूट वो तूट गया। अभी ये ना जो मेरा बिल्कुल ढीला पड़ा है अभी आपने अटकाया हुआ है और ये देखो ये सीट सीट है ऐसी सीट तो कभी भी नहीं रहती किसी वाय बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता अब ये इसकी रिगार्डिंग बात किया बोलो भैया ये तो है तो है हम क्या करते हैं ठीक है यार अब मैंने आपने किसी नई बाइक का भी पे करके देखा ऐसे करके

थोड़ा सा पानी लगा।, लगा थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो सर बता रहे हैं तो यहाँ पे जो है जंग भी आ चुका है एंड काफी पॉलिश है वो पार्ट तो फिर भी जंग आ गया कोई बात नहीं ठीक है, है। ब्रेकिंग्स के बारे में आपका क्या कहना है सबसे बढ़िया ब्रेकिंग बहुत अच्छे हैं दोनों है बहुत बिल्कुल सबसे बढ़िया ब्रेकिंग है इसके ठीक गाड़ी मैक्सिमम कितनी स्पीड में ब्रेक लगा के देखे इसके मैंने लगाए थे साठ में लगाए थे मतलब सेकंड टाइम से बहुत होती है ऐसी बात नहीं है साठ की स्पीड भी बहुत, होती आ, में। सार्ट सार्ट स्पीड भी बहुत में। अच्छी होती है अगर एक गाड़ी जब आप कंटिन्यूसली कंटिन्यू चला रहे हो ना तो उस टाइम पे जब साठ की स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी और उस टाइम पे अगर सडनली ब्रेक लगते है ना तो भी बहुत हैवी स्पीड है कंट्रोल हो गई थी गाड़ी कंट्रोल हो गई थी कोई दिक्कत नहीं है दोनों ब्रेक लगाया कभी ऑफ रोड किया है इस बाइक से नहीं है ऑफ नहीं की कोई पथरीले इलाके में लेके गए होगा आप गाड़ी मैं चलो खेतों में लेके गया था जहाँ सारा कीचड़ वगैरह वहाँ तो मट्टी वट्टी बहुत होती है पथरीले में नहीं लेके में बढ़िया चल गई कोई दिक्कत नहीं आई ठीक है तो सर अब ओवरऑल रेटिंग के, में ले नहीं। नहीं ले के बारे के मड़ी में एक बार बात कर लेते हैं शोरूम की रेटिंग आप क्या देना चाहेंगे नॉट शोरूम की मैं फाइव में से टू ही दूंगा ओके टू एंड हाफ शोरूम के लिए यहाँ पे टू एंड हाफ स्टार्स यहाँ पे आ, हम नोट करेंगे ठीक है कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो शोरूम के लिए अगर लाइक कस्टमर देखो आप मानते भगवान का रूप हुँ, हुँ. होता है तो उनको ना तो चाय पानी के लिए थोड़ा पूछना चाहिए तो थोड़ा रेस्पेक्ट देनी चाहिए बाकी कितने की करी आपने गाड़ी 146 की एक लाख छियालीस हजार की मैंने परचेज है दोस्तों अगर एक लाख छियालीस हजार रुपए आपका कस्टमर आपको पे कर रहा है तो एटलीस्ट पानी का तो हकदार बनता है यार प्लीज उसको एक ग्लास पानी पी लेते हैं तो पिला देते हैं तो इस तरह के रिव्यूज बाद में नहीं आते हैं ठीक है तो ये मैं सर मेरे को लगा आपके लिए बोलना चाहिए तो सही बात है और आपके लिए ही नहीं सर मैं सभी कस्टमर्स के यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो कस्टमर्स चाह रहे हैं वो डिजर्व करते हैं उस जगह पे कि वो इतना पेमेंट वो भी कैश आपको दे रहे हैं कोई फाइनेंस वगैरह का भी कोई इनफैक्ट या कैश हो चाहे फाइनेंस हो पेमेंट तो पूरा ही हो रहा है ना तो उस जगह पे क्या एक पानी का गिलास तो वो लोग डिजर्व करते हैं ठीक है उसके बाद सर्विस के बारे में अगर मैं फीडबैक लूँ तो सर्विस में तो सर एक ही दूंगा मैं में से एक स्टार सर्विस में आप ये पार्ट्स भी इंक्लूड कर लो चाहे वो पार्ट्स हो चाहे वो लेबर स्टाफ हो चाहे वहाँ का एनवायरमेंट हो वट कुछ भी हो उसका ओवरऑल रेटिंग आप कितना दे रहे हैं सिंगल स्टार जब मैंने बाइक खरीदी थी तो लाइक वहाँ पे दस बारह बाइकें खड़ी थी वहाँ पे सर्विस वाला बंदा था एक अब वो एक क्या क्या मैनेज करेगा और अब गया मैं अभी ये टोंक रोड में शिफ्ट हो गया शोरूम तो शायद बीस पच्चीस गाड़ी खड़ी थी और तीन स्टाफ थे ओनली तीन तीनों एक ही बाइक में लगे हुए थे दो एक बाइक में लगे हुए थे एक में उनको मैनेज कर रहा था

तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमारी रा, आपकी राय बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों साथ शेयर करके चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच